हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। फ्रेंड्स, ये 4 के मल्टीपल डिज़ाइन बनेगा, प्लस आपको 2 फंदे साइड के ऐड स्टिच लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जो है 4 के मल्टीपल लेंगे ना, तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए। जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, कैप, शॉल, स्टॉल, मफलर, आप जिसमें भी चाहें आप इसमें ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए, हमने ये 2 के मल्टीपल ये डिज़ाइन पैटर्न ऐसे देखिए, हमने ये इस तरह बनाया हुआ है। फर्स्ट फंदा स्लिप किया है, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, इस तरीके से हम जो है 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। ठीक ना, देखिए आपको 1 सिलाई आपको बनाकर हम दिखा रहे हैं, हमने 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो देखिए, ये रॉन्ग साइड है, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप ऐसे दो दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे करते हुए 6 सिलाइयाँ आपको बना लेनी है। हमने ये 5 सिलाई बना ली थी और आपको ये 1 सिलाई बना करके एक सिलाई आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरीके से आप जो है 2 फंदा उल्टा और ये साइड का ऐड स्टिच है तो इसे उल्टा बुनेंगे। ठीक, अब देखिए हमारी ये 6 रो कंप्लीट है। वह हमने 5 रो हमने बना लिया था, 1 रो आपको बनाकर दिखाया है। अब यहाँ से हम ये 7th रो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये 7th रो है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे, ये 2 फंदा हम स्लिप कर लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ये 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, अब यही आपको राइट साइड में रिपीट करना है। जो 2 सीधे फंदे हैं ना, उन्हें स्लिप करेंगे और जो 2 उल्टे फंदे हैं उन्हें हम बुन लेंगे। देखिए, ये 2 फंदा स्लिप किया, 2 फंदा उल्टा, ये 2 सीधा फंदा स्लिप करेंगे और ये साइड का ऐड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो देखिए, हमारा ये 7th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब 8th रो है, रॉन्ग साइड है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, ये जो 2 फंदा उल्टा है ना, इन्हें हम स्लिप करेंगे। ठीक, और जो 2 सीधा फंदा है इसे हम बुन लेंगे। देखिए, 2 उल्टा फंदा स्लिप करना है, 2 सीधा फंदा बुनाई करना है, 2 उल्टा फंदा स्लिप करना है, 2 सीधा फंदा बुनाई करना है। ये ध्यान में रखिएगा कि धागे को पीछे ही रखना है। देखिए, 2 फंदे हम उल्टा वाला स्लिप करेंगे, सीधा वाला हम बुनेंगे, और ये जो देखिए 2 उल्टा फंदा है ना, इन्हें स्लिप कर लेना है, धागे को अपने साइड लाना है, 1 फंदा उल्टा बुनना है। तो ये हमारा 8th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से डिजाइन पैटर्न चेंज होगा। तो देखिए, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, जो 2 फंदा हमने सीधा ये स्लिप किया था ना, अब धागे को अपनी साइड लाएंगे, ये 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे और 2 फंदा ये जो उल्टा था इसे हम 2 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इसे ध्यान में रखिएगा कि 8th रो के बाद जो है ये पैटर्न चेंज हो जाता है। जो सीधा है उस पर उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा है उस पर सीधा बुनना है। ठीक ना, देखिए, ये जो सीधा है ना, हमने धागे को आगे किया, 2 फंदा उल्टा बुना, धागे को पीछे करेंगे, जो उल्टा है उस पर हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी साइड, 2 फंदा उल्टा और 1 साइड का ऐड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो ये 9th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब 10th रो भी देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ये जो 2 फंदे हमारे सीधे हैं उन्हें सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी साइड, 2 फंदा उल्टा, धागे को बैक साइड, 2 फंदा सीधा। ये 9th रो इस तरीके से हम पूरी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, 10th रो कंप्लीट हो गया। 11th रो है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे,
दो फंदा उल्टा है, उल्टा बुनेंगे, दो फंदा सीधा, सीधा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा, उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से देखिए हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, 11th रो को। तो फ्रेंड देखिए ये 12th रो है, राउंड साइड फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे धागे को पीछे, दो फंदा जो सीधा दिख रहा है सीधा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, दो फंदा जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरी रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं 12वीं सिलाई को। तो फ्रेंड देखिए ये 13 रो है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जो जैसे आपको दिख रहा है आपको ऐसे पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए ये 14 रो है, रॉन्ग साइड है। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, ये दो फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। देखिए इसी तरीके से हमें 14 रो को कंप्लीट करना है, जो जैसा आपको दिख रहा है फ्रेंड वैसे ही आपको ऐसे 14 रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए ये 15 रो है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा धागे को अपनी साइड लाएंगे, जो टू फंदा उल्टा है ना, ये दो फंदे उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं दो इसे स्लिप कर लेना है, धागे को अपनी साइड रखना है, फिर दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, धागे को अपनी साइड रखेंगे, दो फंदा सीधा स्लिप करेंगे, दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को अपनी ही साइड रखना है और दो फंदे स्लिप कर लेना है, फिर दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए दो सीधा फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, वन साइड का एड स्टिच है इसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा 15 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए 16 रो है और रॉन्ग साइड है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को अपनी साइड ले जाएंगे, ये जो दो फंदे सीधे हैं ना इन्हें बुनना है और धागे को पीछे ही रखना है, जो उल्टा फंदा है ना इन्हें ऐसे स्लिप कर लेना है, फिर दो फंदे हमें सीधा बुनना है, धागे पीछे की साइड ही रखेंगे, दो उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे। ये ध्यान में रखिएगा धागे को बैक साइड ही रखना है, दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दो फंदा हम ये सीधा बुनेंगे और वन ये साइड का एड स्टिच है इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए 1 से लेके 16 रो में ये डिजाइन पैटर्न ऐसे बनकर आया है। जब फ्रेंड्स इसे आप पूरी डिजाइन को बनाएंगे ना तो देखिए इस तरह दिखेगी। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।